हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल वाटी का। फ्रेंड, मेरी गोदावरी पे देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्लांटों पे देखो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर से कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जिसको हम बेकार समझते हैं कि हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है किचन से कि वो किसी काम का नहीं है, तो देखो फ्रेंड कितना अच्छे काम का है ये। मैंने इसको मैं प्याज के छिलकों को भिगो के और केले के छिलकों को भिगो के और फंगीसाइड के लिए फ्रेंड मैंने इसमें नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डाला, सरसों खली भी डाला फ्रेंड मैंने इसमें बना के, और देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड ये पौधे बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाते हैं। फ्रेंड देखो कितने छोटे छोटे पोटों में भी, देखो पॉली बैग में भी लगाया हुआ है मैंने, कितना सुंदर लग रहा है। मेरे पास तीन कलर के हैं। मेरे पास पिछले साल वाइट भी था, शायद वो पौधा ख़राब हो गया होगा। कटिंग मैंने बहुत लगाई पर वाइट में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, पीले तो बहुत हो गए हैं। इसमें एक देशी पिटूनिया है वाइट कलर का, उसको मैं अभी अलग करूँगी। और फ्रेंड इसमें मेरे को कोई ज़्यादा कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ा है इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। हम अपने किचन से ही बहुत चीज़ें हम यूज कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। और गोदावरी को लगाना बहुत आसान है, इनकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड बीजों से लगाना तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि इनमें जल्दी फ्लावरिंग नहीं हो पाती, पर कटिंग से लगाते हैं तो बहुत जल्दी फूल आना शुरू हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, और अपने घर के ही किचन वेट से ही आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डालें और इसी तरह से फूल अपने गार्डन में रखें। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। फ्रेंड ये दो तीन दिन पहले की क्लिप है मेरी, अब मैं थोड़ा इसको चेंज भी कर रही हूँ इधर से हटा के। फ्रेंड इस वाले पौधे पे मेरे 70 से भी ज़्यादा फूल हैं जो मैंने ये बांध दिए हैं गुच्छे में, नहीं तो ये गिर रहे थे। देखो फ्रेंड ये भी एक ही पॉट में लगा हुआ है, पॉट का मतलब पॉली बैग है उसमें। फ्रेंड इसको आप आसानी से नर्सरी से ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा सही से करके लगाऊंगी इन सभी पौधों को। आप भी अपने गार्डन में इसी तरह से फूलों को रखें, बहुत सुंदर लगते हैं ये देखने में।